नाबालिग बच्ची है और ये बहुत पीड़ित बच्ची मेरे पास आई है। इसने मेरे को नेट के द्वारा मेरा नंबर ढूंढा और इसने मेरे को फ़ोन किया और मैंने इसको भरोसा दिलाया। मैं यहाँ पर पहुँची हूँ सितारगंज में, इससे मैंने मुलाकात करी। हिमानी इसका नाम है और 4 साल से बता रही कि CRPF में एक व्यक्ति है जो वहाँ पर सर्विस कर रहा है, उसने इस किस्म 4 साल से नाबालिग के टाइम में इसने संबंध बनाए और आज वो अपनी दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है। 8 मार्च को दूसरी शादी तो इसने मेरे से शिकायत दर्ज कर दी और बताया कि मेरे से ऐसे ऐसा घटना घट रही है, नाबालिग ने उसने संबंध बनाया और उसका एबॉर्शन भी करवाया उस व्यक्ति ने और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में उसके पास सारा उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है। और 15 जनवरी से ये थाने के चक्कर काट रही थी, वहाँ पर इसको कोई न्याय नहीं मिला और न्याय नहीं मिलने के बाद ये SSP उधम सिंह नगर भी गई, वहाँ पे भी उसको न्याय नहीं मिला, दिल्ली भी गई वहाँ भी इसको न्याय नहीं मिला और अब ये मेरे पास आई है। मैंने इसको भरोसा दिलाया है और इसको बताया है कि परेशान नहीं होना, इसके नानकपत्ता में जाकर इसकी FIR दर्ज करवा के मैं इस महिला को मैं न्याय दिलवाऊंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैंने इससे वायदा भी किया है। और साथ में उस जो व्यक्ति ने जो इसके संग इतना घृणित काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का पूरी कार्रवाई करें। 21 वर्षीय युवती द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उन्हें CRPF के सिपाही पर रेप का एक आरोप लगाया है, तो इस संबंध में थाना नानकपत्ता में 376 और 506 और 313 की धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है।